एंटर करते ही सबसे पहले आपको ये लिखा दिख जाएगा श्रावणी मेला देवघर 2024 त्रिलोक। और आपको ये देवघर कैसा लगा, शिवलोक में आए हैं ये आपको कैसा लगा? अपना गुफा में दोस्तों कैसा लग रहा है तुमको? बहुत डर लग रहा है। देवघर का हृदय पीठ, यहाँ महिला लोग वट सावित्री व्रत कर रही है और ये है हमारे झारखण्ड की संस्कृति। अधिकतर झारखण्डी घर इसी प्रकार का समुद्र मंथन का पिक्चर पीछे में बना दिया गया है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जितेंद्र, टुडे आई एम गोना शो यू शिवलोक ऑफ देवघर, जो कि हर साल की भांति इस साल भी हमारे धोबिया टोला में लग चुका है। दोस्तों इस साल मैं आपको दिखाने वाला हूं त्रिलोक तथा एक ब्राउन से गुफे को, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो इधर है बजरंगी चौक जो यहां से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है और इधर है टावर चौक जो यहां से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है और यही है यहां का मेन गेट। देखिए श्रावणी मेला 2024 तो एंटर करते हैं इसमें, तो एंटर करते ही सबसे पहले आपको ये लिखा दिख जाएगा श्रावणी मेला देवघर 2024 और इधर प्रोग्राम वगैरह होता है, इधर आपको बाद में ले जाएंगे, पहले ले चलते हैं आपको शिवलोक का दर्शन कराते हैं फिर गुफा का दर्शन कराते हैं। एक बार बोलिए हर हर महादेव, जय शिव और शंकर जी का दर्शन कीजिए हमारे महाकाल का। मेन गेट से जब आप राइट लेते हैं दोस्तों तो ये आपको दिखेगा त्रिलोक और यही त्रिलोक में भी हम लोग एंटर करने वाले हैं। और देखिए कितना ही खतरनाक दिख रहा है दोस्तों, एकदम पूरा ही डेकोरेट किया गया है। और इसके लेफ्ट साइड में इधर है गुफा, लेकिन अभी हम लोग इधर से चलते हुए चलेंगे आगे की ओर। एंट्री करते ही पूरा परिसर को यहाँ हरे भरे पौधों से सजाया गया दोस्तों और ये है कुछ यहाँ का लिंक वगैरह, इस पर आप देख सकते हैं। और अभी सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं यहाँ जो कि है विष्णु जी। और इसके चारों तरफ आपको इस प्रकार का कुछ पेंटिंग्स वगैरह दिख जाएगा दोस्तों, जो कि ब्लू लाइट के साथ नारद जी का कुछ इस प्रकार रूप है और इनका जो हाथ में रहता है वही गायब है। खैर, और वो देखिए दूर में आपको महादेव और पार्वती जी। हाथ में सुत्रिलोक बनाने के लिए दोस्तों इसमें गैस वगैरह भी निकाला जाता है इससे। और उसके जस्ट बाद ही आपको दिख रहा होगा यहाँ शिवलिंग, कितना ही बड़ा शिवलिंग है दोस्तों। बोलिए हर हर महादेव। तो इन माता का नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन देखिए क्या ही मस्त मगरमच्छ पर बैठी हुई है और यहाँ एक साधु जी का कुछ प्रतिमा बनाया गया है, क्या ही मस्त हाथ में शंख लिए हैं दोस्तों। जय बाबा। आपका नाम क्या हुआ बताइए? लखनऊ का नाम क्या है? मैं प्रतिभा दास असम से और मेरे हस्बैंड मानस तालुकदार असम से। तो आप लोग यहाँ कब आए थे देवघर? देवघर हम कल आए थे बाबा को जल चढ़ाने के लिए। और आपको ये देवघर कैसा लगा? बहुत अच्छा, सबसे बयान नहीं कर सकते। और आप कहाँ कहाँ घूमे देवघर में? देवघर में हर एक मंदिर घूमी, दर्शन किए। अच्छा, बाजार गए। अच्छा, और ये जो आप अभी शिवलोक में आए हैं ये आपको कैसा लगा? यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा यहाँ का नक्काशी लगा, क्या एक्सपीरियंस जरा शेयर करें हमें, एक्सपीरियंस जरा शेयर करें। जैसे हम आसाम से आए हैं, माँ कामाख्या देवी के धाम से आए हैं, जो शक्ति पीछे सबसे ज्यादा जी, वैसी ऊर्जा मिलती है यहाँ आके भी, वैसा ही एक ऐसा ऊर्जा जो सबसे हम बयान नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, ऐसा मतलब लग रहा है धरती पे मेरे पाँव भी नहीं, जहाँ वहाँ जब जाते हैं देवघर में ऐसा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, मन को मन पवित्र बन जाते हैं ऐसा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हर हर महादेव। जय श्री हर हर महादेव। महादेव हर किसी की मनोकामना पूरी करे। जय भोलेनाथ। और इस साइड में दोस्तों पूरा एकदम देवी सबको दिखाया गया चारों तरफ, क्या ही मस्त काली वगैरह दिख रहा है और पूरा एकदम देवीय रूप को दिखाया गया है एकदम अच्छा से। तो एक एक करके आप देख सकते हैं, उस मेन गेट में घुसने के बाद पूरा इधर दिखाने के बाद आपको अब ले चलते हैं बहुत ही हार्ड एकदम बहुत ही खौफनाक गुफा में दोस्तों, जो एकदम पूरा अंधेरा से भरा हुआ। चलते हैं गुफा में, बहुत ही हार्ड सा सिचुएशन लग रहा है मुझे। देखिए दोस्तों एकदम पूरा अंधेरा दिख रहा होगा आपको, कुछ नहीं दिख रहा। ये देखिए कुछ इस प्रकार का आपको हड्डी का कंकाल वगैरह। ये भगवान, ये अकेले अगर आ जाए ना, कैसा लग रहा है तुमको? बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। देखिए दोस्तों अकेला बच्चा, इसको नानी याद आ जाएगा अभी। चलिए एक एक करके दिखाते हैं सिनेमैटिक शॉट्स। गुफा के अंदर अभी हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं दोस्तों और इधर भी क्या है मस्त सा सीन आपको दिख रहा होगा एकदम हार्ड वाला। देखिए मकड़ी का जाला वगैरह दिख रहा है, क्या है मस्त दोस्तों। इधर पूरा लोमड़ी वगैरह बनाया गया, यहाँ भी एक बैठ है पकड़ के आदमी को काटा जा रहा है। हम लोग धीरे धीरे और आगे चल रहे हैं दोस्तों, एकदम और एक और बैठ वहाँ मिल रहे हैं बहुत हार्ड। यह दैत अभी इस आदमी को सांप से कटवाएगा तो इसको छोड़ते हुए अभी हम लोग चलते हैं यहाँ। ये देखिए एकदम खौलता हुआ आग में,
डाला जा रहा है आदमी को, पाप जो करता है यही होता है, पाप विनाश कर दे। पूरा गुफा दिखाने के बाद अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ और ज्यादा डर लग रहा मुझे। और यही है गुफा का एग्जिट गेट। देवघर का हृदय पीठ और इसको यहाँ स्टैचू के रूप में बनाया गया है। बोलिए जय माँ पार्वती, जय शक्ति पीठ। यहाँ महिला लोग वट सावित्री व्रत कर रही हैं दोस्तों, और ये देखिए धागा वगैरह बांध रही हैं। देखिए दो महिलाओं को यहाँ दिखाया गया है। वट सावित्री व्रत करने के बाद ये पूरा धागा यहाँ कंप्लीट कर दिया गया है और यहाँ दो महिलाओं को भी दिखाया गया है। अभी हम लोग हैं पृथ्वी लोक में और इधर बनाया गया है पूरा पूरी स्वर्ग लोक, और ये जो पूरा गुफा दिख रहा है दोस्तों ये है हम लोग का नर्क लोक। बाद में आपको विष्णु जी दिख जाएंगे, उसके बाद यहाँ है महेश जी और वहाँ है ब्रह्मा जी, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का पूरा आपने देखा स्टेज। यहाँ साइड साइड में आपको झारखंड की कुछ झांकियां और पेंटिंग्स दिख जाएंगी। गो माता, तो गो माता का दर्शन करने के बाद अब हम लोग यहाँ से चलते हैं बाहर। त्रिलोक का पूरा प्रस्तुति दोस्तों सूचना एवं जनसंपर्क विभाग देवघर के द्वारा कराया गया है। त्रिलोक के जस्ट सामने दोस्तों यहाँ बिरसा मुंडा जी को बनाया गया है। इधर भेलपुरी का, यहाँ पूरा राजस्थान का, और इधर भी कुछ ऑर्नामेंट का ये दुकान वगैरह खोला गया है। इधर भी बच्चों का टॉयज वगैरह, इधर कुर्ता वगैरह सब स्वदेशी है। और चलिए दिखाते हैं वहाँ हम लोग का झारखंड का हाथ से बनाया गया क्राफ्ट और आर्ट। और ये है हमारे झारखंड की संस्कृति, ये सूप है, वो चटाई बनाया गया है, वहाँ सूप बुना जा रहा है और वो झारखंडी महिलाएँ हैं। और ये यहाँ एक घड़ा रखा गया है, ये है बैलगाड़ी का चक्का। और आगे ले चलते हैं आपको, और वहाँ भी एक वाद्य यंत्र है। झारखंडी घर इसी प्रकार का होता है। और ये देखिए बीच में यहाँ टोपा है जिसको हम लोग कोठा में बोलते हैं, ये सीढ़ी है। और ये देखिए डलिया है, ये छोटा सा डलिया है, ये ओखली या फिर तबला है, तबला नहीं ओखली या फिर कोई वाद्य यंत्र है, ये भी वाद्य यंत्र है। इधर भी एक वाद्य यंत्र है, और यह डलिया है बड़ा सा जिसमें शादी ब्याह में लड्डू वगैरह दिया जाता था पुराने जमाने में। और यहाँ देखिए सूत काट रही है महिला, और देखिए एक ढोल है, और ये पूरा यहाँ का सीन है। तो जो झारखंडी हैं वो बोलिए प्रेम से जय झारखंड, जोहार झारखंड। वो जो लोग कहते हैं ना दोस्तों बाण में जाओ, यही बाण है दोस्तों, इसी में आप लोग को जाने के लिए लोग बोलते हैं। और इसके जस्ट बगल में इधर भी कुछ दुकानों को बनाया गया है, तो दुकानों को दिखाते हुए अब हम लोग चलते हैं यहाँ जो स्टेज प्रोग्राम होता है इसको दिखाते हैं। तो वहाँ से लेकर के पूरा आपको यहाँ तक हर एक मूर्ति के बारे में बताया गया है कि क्या होता है मूर्ति, क्या नहीं होता, आशुतोष भैरव शिवलिंग ये सब के बारे में बताया गया है। शिव के अलग अलग स्वरूपों का व्याख्यान किया गया दोस्तों, ये भी पढ़ सकते हैं। भगवान का घर, सनातन स्थापना, प्रबल रोग, ये सब पूरा आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। यहाँ ही पूरा कार्यक्रम का स्टेज बनाया गया है, और यहाँ ही हर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जो कुछ झारखंड से रिलेटेड होता है तो कुछ महाकाल से रिलेटेड होता है। त्रिलोक के स्टेज का नजारा क्या है, समुद्र मंथन का पिक्चर पीछे में बना दिया गया है। इस स्टेज के जस्ट सामने दोस्तों यहाँ बैठ कर लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम देख सकते हैं, और उधर कुछ स्टैचू वगैरह बनाया गया है। यहाँ शिव जी का बहुत ही बड़ा सा शिवलिंग बनाया गया है कार्टून का, उधर एक मंदिर बनाया गया है। तो दोस्तों एट लास्ट में आप लोग मुझे ये बताइए कि ये शिवलोक का वीडियो कैसा लगा, यहाँ का परिसर कैसा लगा, ये त्रिलोक दर्शन कराएं वो कैसा लगा, गुफा का दृश्य कैसा लगा, और पूरा जो शिवलिंग बना था हमारे बाबा बैनाथ धाम का ये कैसा लगा, ये स्टेज वगैरह कैसा लगा, ये व्यवस्था कैसा लगा। तो ये सब बताइए, और बोलिए देवघर की जय, हर हर महादेव, जय शिव, जय बाबा बैनाथ, जय महाकाल।